आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यंग वाइल्ड थ्री में। तो दोस्तों हमारी अभी फुल बॉडी वर्कआउट सीरीज चल रही है, तो आज होगा हमारा डे फोर और डे फोर में हम करने वाले हैं स्टार्टिंग में डेडलिफ्ट। आज हम थोड़ा स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजों को स्टार्टिंग में लाते हैं, तो आज हम करेंगे डेडलिफ्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारा फुल बॉडी वर्कआउट हमारे बॉडी पार्ट को फ्रिक्वेंटली हिट करने के लिए बनाया जाता है और टाइम की थोड़ा बचत भी हो जाती है। और चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, और शेयर कीजिए और अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिए। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे, फिटनेस के से जुड़े हुए आपको हर तरह के शेड्यूल मिलेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वीडियो के एंड में ज़रूर दे सकते हैं। अपना वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप स्ट्रेचिंग का विशेष ध्यान दीजिए और वार्म अप जरूर करिए। इसके मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं जो आपको मेरे चैनल में ही मिल जाएंगे। कोई भी बड़ी मसल है जो आपसे होती नहीं है, जैसे आपको डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट्स करने में दिक्कत होती है, तो उसका एक स्पेशल वीडियो मैंने अपने चैनल में इससे पहले का बनाया हुआ है, जिसका टाइटल आपको 3 बिग लिफ्ट्स के नाम से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं और अपनी स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस में थोड़ा बहुत आप और सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं और तो शुरू करते हैं आज का वर्कआउट जो हमारा डे फोर का। तो आज डे फोर की हमारी पहली एक्सरसाइज है सुमो डेडलिफ्ट। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी ओवरऑल बॉडी पे वर्क करती है। ठीक, ये आपकी क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स, बैक, ट्रैप, ओवरऑल बॉडी को फिट करेगा। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने अपने पांव को पूरा वाइड करके बैठना है, ये लगभग 90 का एंगल आपका बनना चाहिए। ठीक है, अंगूठे आपके आगे की तरफ ना हो, थोड़ा आपने वाइड खोलना है और उसके बाद आपने बार को ग्रैब करके आपने फिर पुल करना है। ठीक है, इस एंगल में आपने सुमो करनी है। हम करेंगे इसके पूरे 4 सेट और 6 रेपिटेशन के अंदर आपने करना है। तो इसमें वेट आपने अच्छी स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाना है कि ताकि आपके 6 रेप तक आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज है हम जिसमें करेंगे डिप। ये आपके बॉडी वेट और वेटेड दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपसे डिप ईजिली हो जाते हैं आपकी अपर बॉडी के लिए होगी, ये आपकी चेस्ट मसल और ट्राइसेप्स को अच्छे से हिट करेगी। इस एक्सरसाइज में आसानी से अगर आपसे 8 रैप निकल जाते हैं तो आप उसको वेटेड भी कर सकते हैं। आप एक चेन की मदद से आप एक वेट को हैंग कर सकते हैं, टांगों के बीच में डंबल रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी वेट में करने जा रहा हूँ जिसमें हमने करने हैं 3 से 8 रैप। इसी तरह से आप बाकी के सेट निकालिए, 8 रैप आपसे इजीली निकलते हैं तो आप इसको वेटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी हाइपर एक्सटेंशन जो लोअर बैक और ग्लूट मसल को अच्छे से हिट करेगी। हमारे 3 सेट होने हैं इसमें और 10 रेपिटेशन के हिसाब से हमने कर लेंगे।
इस तरह से अपने रैप निकालिए। आप इसको वेटेड भी कर सकते हैं, अगर आपसे 10 इजली निकलते हैं तो आप एक प्लेट पकड़ के इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे लेग एक्सटेंशन, ठीक है। ये हमारी क्वाड मसल की एक्सरसाइज है और इसके लिए इसमें हम करने वाले 3 सेट 20 रेपिटेशन के हिसाब से, इसलिए वेट को उस हिसाब से रखना कि आप रेपिटेशन कर सकें। हर एक्सरसाइज में हम 6 से 8 रैप नहीं मारेंगे, हम कईयों में 10 भी करेंगे और किसी में हमारे 20 रेपिटेशन भी हो सकते हैं, वो आइसोलेशन मसल के हिसाब से होगा। रेपिटेशन कंप्लीट, इसी तरह से आप बाकी के आने वाले सेट करिए। अब हमारी बार बेंट रोइंग, जो हमारी बैक मसल की एक्सरसाइज है, ठीक है, हम इसको करने वाले हैं ओवर ग्रिप, ठीक है ना, रोटेटेड ग्रिप बोल सकते हैं आप, ठीक है। इस ग्रिप में हम करेंगे और इसमें आपने बेंट होंगे, आपने अपना सीना तन के रखना है और बार को पूरा आपने ऊपर पूल करना है। इस तरह से आप अपने वेट को एडजस्ट कर लीजिएगा। एक सेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह से आपने बाकी के 3 सेट भी करने हैं। वेट को आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर पहले टाइम में आपको हल्का लगे। अब हम करेंगे रोप फेस पुल, इसमें हमने निकालने हैं 3 सेट और 10 रेपिटेशन के अंदर जो हमने करने हैं, और ये हमारी शोल्डर और बैक दोनों में इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। अटैचमेंट को अपने फोरहेड के एंगल में ले आए, ठीक। हमारा एक सेट कंप्लीट, इसी तरह से आप बाकी के और सेटों को आगे बढ़ाइए। अब हम करने वाले हैं आज की अपनी आखिरी एक्सरसाइज, जो हमारी होगी केबल ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, ठीक है। तो केबल में हम करने वाले हैं, तो हमने अटैचमेंट को लगा दिया है अपनी लोअर बॉडी के सीट में, आपने केबल की मदद से ओवरहेड में करने हैं। इसमें हमारे हैं 3 सेट और 15 रेपिटेशन, ठीक है। ये हमारे ट्राइसेप्स मसल की एक्सरसाइज है और जितनी भी हमारे ट्राइसेप्स में ओवरहेड की एक्सरसाइजें होती हैं वो सब लॉन्ग हेड को हिट करती हैं, ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को। ट्राइसेप्स जो हमारी कंप्लीट हो गई है, हमारे इसमें 1 दिन बाइसेप्स 1 दिन ट्राइसेप्स है, वो मैंने आपको पहले के वीडियो में भी आपको समझाया है।
आर्म्स का पूरा लॉजिक कि हमने क्यों ट्राइसेप्स और क्यों बाइसेप्स एक एक रिंग करके रखी है। ठीक है, तो फिर दोस्तों हमारा आज का वर्कआउट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, घंटे के आइकन को दबा लें और लाइक कमेंट और शेयर करते रहें वीडियो को, अपना प्यार देते रहें इसी तरह से, और अपनी डाइट का और नींद का अच्छे से ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इन दोनों के बगैर आपका वर्कआउट अधूरा है। आपका वर्कआउट जब इन दोनों के साथ मिलता है तो ही जाके आप एक अच्छा रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे फिट।